इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में दो घरों में कल हुई डकैती को 4 से 5 हथियार बंद नकाबपोश बदमाश द्वारा अंजाम दिया गया था, जिसमें डकैतों द्वारा परिवार पर हमला कर परिवार को बंधक बनाकर बदमाश ने लाखों का माल लूट कर ले गए थे। जहां आरोपी घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए थे, वहीं आज आईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने डकैतों पर 20,000 का इनाम घोषित कर दिया है। दरअसल इंदौर के एरोड्रम इलाके में कल हथियार बंद 4 से 5 डकैतों ने एक मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की लूट कर फरार हो गए थे। वहीं आज आईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने लूट करने वाले 5 में से 2 को चिन्हित कर डकैतों पर 20,000 का इनाम घोषित कर दिया है। आईजी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुछ लोगों की पहचान की गई है, जिसके लिए आईजी ने एक टीम गठित कर आसपास के जिलों में रवाना किया है। वहीं आईजी का कहना है कि इसके पहले भी पुलिस ने इस तरह की डकैती करने वालों को पकड़ा है। इस डकैती में भी कुछ आरोपियों को चिन्हित किया गया। वहीं आईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने इंदौर शहर से बाहर बनी बड़ी बड़ी कॉलोनी जिसमें करोड़ों रुपए के मकान बनाए हुए हैं, मगर वह किसी ने भी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए हैं। आईजी ने कॉलोनी वासियों से अपील की है कि सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं, आपकी सुरक्षा के लिए ही है। आईजी ने कॉलोनी वासियों से अपील की है कि सीसीटीवी कैमरे लगवाए आपकी सुरक्षा के लिए ही है और पुलिस आपके साथ है जो अपना काम करती ही है। इन डकैतों को भी जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। उस पूरे मामले में कुछ आरोपियों को मॉडस ऑपरेंडी के आधार पर चिन्हित किया गया है। उसमें मुख्य तौर पर आसपास के कुछ जिले हैं जहां पे इस तरह के अपराधी हैं, उसमें कुछ प्रथम दृष्टिया को चिन्हित किया गया है, उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। उसमें 20,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है इन पर किसी भी सूचना देने को। उम्मीद है कि अगले 1-2 दिनों में इन आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। इसमें जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें 3 से 4 आरोपियों की संदेह है, लोगों 2 आरोपियों को देखा था, 1 आधा आरोपी बाहर हो सकते हैं, तो 3 से 4 आरोपी इसमें संभव है। बाकी इसमें मॉडस ऑपरेंडी के आधार पर कुछ जानकारियाँ मिली हैं, वहाँ पर कुछ आसपास के लोगों ने भी देखा है, तो उसके आधार पर पुलिस की टीमें बाहर गई हुई हैं जहाँ जहाँ संभावित जगह हैं, और उम्मीद है कि 1-2 दिनों में इस पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। जैसा मैंने बताया कि 20,000 रुपये का इनाम इसमें घोषित किया गया है। इसमें जो भी बड़ी घटना हुई पुलिस ने तत्काल पकड़ा है, चाहे सराफा की चोरी जिसको मुंबई से पकड़ के लाया गया, या बैंक में चोरी जिसे शॉर्ट इनकाउंटर के बाद पकड़ा गया, तमाम घटनाएं हुई, सभी घटनाओं पे पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की है। इस मामले में भी चूंकि आउटर इलाके में कई ऐसी घटनाएं कई बार होती हैं, तो उसको लेकर के पुलिस को कड़ी मेहनत करनी होती है। जैसे कि ये घटना शहर के बाहर की जो कॉलोनियाँ हैं जहाँ बाहर हैं, इस मामले में पुलिस कर रही है और हम लोग पूरी तरह आश्वस्त हैं कि इसमें भी सफलता मिलेगी। एक बात जरूर मैं वहाँ के जो भी इस तरह की कॉलोनियाँ हैं वहाँ लोगों से कहना चाहूँगा कि ऐसे कॉलोनियों में इतने बड़े बड़े मकानों में कई कई करोड़ के मकान हैं, उसमें 3-4 हज़ार रुपये के कैमरे किसी ने नहीं लगवाए। सुरक्षा क्या हमारे लिए कोई प्राथमिकता नहीं है? हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। पुलिस तो पूरी तरह से है, आपके साथ है और पूरी मेहनत से जा करके आरोपियों को पकड़ेगी भी, आरोपियों तक पहुँचेगी भी, आरोपियों को लाया जाएगा, लेकिन हमें एक सुरक्षा के तौर पर एक पहला कदम उठा सकते हैं कि घरों में बाहर की तरफ एक कैमरा लगवाएँ, और उस कैमरे से अगर फुटेज मिल जाते हैं, कुछ जानकारियां मिल जाती हैं, तो उससे पुलिस का काम आसान हो जाता है, सटीक अपराधियों तक पहुंचने में तत्काल सफलता मिलती है। इसलिए आवश्यक है कि कैमरा जो है जिन जगहों पे हो सकता है सरकारी योजना में न लगा हो, लेकिन हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि हमारा अगर घर है इतनी हिफाजत है तो एक हम छोटा सा प्रयास करें कि बाहर की तरफ एक कैमरा लगवाएं, जिससे निश्चित तौर पर पुलिस को ऐसे कभी घटनाएँ होती हैं तो उसमें आरोपियों को तत्काल पकड़ने में सफलता मिलती है। सुरक्षा गार्ड की बात है, कई जगह लाइट लोग बंद, कई जगहों पे बंद थे, सीसीटीवी कहीं नहीं थे, तो कुछ समस्याएं हैं जिसके कारण पुलिस की चुनौती बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि भले कितनी ही समस्याएं हों, उसमें जो भी चुनौतियां हों, लेकिन पुलिस अंततः अपराधियों तक पहुँचेगी जरूर, और जरूर उन पर कार्रवाई करेगी।